So hi everyone, this is Manushree. Welcome back to my booktube channel. So today I'm going to talk about these books. If you want to start a reading, then you must read this book. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो या आप बिगिनर हो तो आपको किस बुक्स पढ़ना चाहिए. तो फिर मैं अपनी बातें करती हूँ कि जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया था तो मैंने पहले स्टोरीज से शुरू किया था. और मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हो तो पहले आप स्टोरी से शुरू करो. तो फिर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. अगर आप हिंदी किताब से शुरू करना चाहते हो तो पहले आप हिंदी किताब की हिंदी शॉर्ट स्टोरी से शुरू करो. हिंदी शॉर्ट स्टोरीज में पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं. अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा. तो रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के ऊपर मैंने दो वीडियो बना चुकी हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से काबुलीवाला, अपरिचिता और बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी. और मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो उसके बाद आता है प्रेमचंद की कहानियाँ. और प्रेमचंद की मानसरोवर पार्ट 1 से पार्ट 7 तक है और उनमें से बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज है जो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा. जब उनकी बूढ़ी काकी पढ़ी थी मुझे बहुत रोना आया था, वो कहानी पढ़कर मुझे वो बहुत पसंद आया था. तो उसके बाद आता है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियाँ. मैंने उनकी कोई शॉर्ट स्टोरीज नहीं पढ़ी हूँ पर मैं पढ़ना चाहूँगी आगे. तो मैंने उनकी दो नॉवेल पढ़ी थी जिनका नाम है विराज बहू और परिणीता. परिणीता मुझे बहुत पसंद आई थी और विराज बहू भी बहुत पसंद आई थी. अगर आप उसे पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो. तो उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगी बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानियाँ. बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानियाँ बहुत अच्छी है. उनकी कहानियों में से मैंने सिर्फ और सिर्फ कल्याणी पढ़ी थी और एक अंगूरिया नाम का कहानी पढ़ी थी जिसका नाम मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, पर मैंने उनकी रिव्यू करी थी, शायद ओडिया में मैंने उनकी रिव्यू करी थी क्योंकि मैंने उस किताब को ओडिया में ही पढ़ा था. तो बंकिम चंद्र चटर्जी का दो नॉवेल मैंने पढ़ी थी जो कि आनंद मठ और देवी चौधरानी, और उनकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ. इस बार जो किताब की मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, मैंने ऑलरेडी आपसे वो किताब के बारे में बातें कर चुकी हूँ, वो है मसाला चाय दिव्य प्रकाश दुबे की. तो मैंने ऑलरेडी मसाला चाय के बारे में आपको बता दिया है. उनमें से भी बहुत सारी कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां, बस 5, 6 या 7 कहानियां हैं. अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप ये किताब पढ़ सकते हो. तो ये तो था आज का वीडियो. और अगर आपको वीडियो चेक करना है तो मैं सारी लिंक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. तो फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.